दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी रोचक तथ्यों की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांच बेहद महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित मंडलों की। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड दो प्रशासनिक मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं सन 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल के अधीन थे। सन 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। वर्तमान में उत्तराखंड के 13 में से 6 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर कुमाऊं मंडल के अधीन है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग सहित 7 जिले गढ़वाल मंडल के अधीन है। अब बात उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की। जैसा कि हम जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक पृथक राज्य बना था। विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश में स्थित 7 में से 6 नेशनल पार्क अब उत्तराखंड में हैं। इन्हीं में से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इस पार्क को रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, परंतु सन 1957 में मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसे सन 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों रोचक जानकारियों के क्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध की। उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह दुनिया के 10 सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी और इस परियोजना के लिए प्राथमिक जांच का काम भी 1961 में ही पूरा कर लिया गया था। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय आदि प्रभावों के कारण इसमें लगातार देरी होती रही और आखिरकार यह 2007 में बनकर तैयार हो पाया। अब बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी है और यह राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है। इसके अलावा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड के लोगों द्वारा समय समय पर आंदोलन और प्रदर्शन भी किए जाते रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय भी गैरसैंण को ही राज्य की प्रस्तावित राजधानी माना गया था। राज्य बनने के बाद दीक्षित आयोग ने देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण में से देहरादून को राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना था, परंतु देहरादून को अभी तक भी आधिकारिक रूप से स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जा सका है। दोस्तों हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड की पर्वत चोटियों का अपने आप में खास महत्व है। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी पर्वत चोटी देश की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों ये थी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल पर अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।